The God's Palace Resort, Ganga Facing Restaurant, Party House, Destination Wedding, 12,500 स्क्वायर फीट में बिना पिलर बना भव्य हॉल, शानदार समारोह के लिए शानदार वेन्यू, हर किसी की पहली पसंद, निकट नानू की नहर, कावड़ मार्ग, सरधना, मेरठ। दीपावली नजदीक है, इसलिए दीपावली की तैयारियों के चलते जिला कारागार मेरठ के बंदियों द्वारा इको फ्रेंडली दीपक बनाए जा रहे हैं। बता दें, ये सभी दीपक बनाने के लिए मुरादाबाद की संस्था गोरी एसोसिएट द्वारा बंदियों को ट्रेनिंग दी गई है। ट्रेनिंग लेने वाले बंदियों में महिला और पुरुष दोनों ही मौजूद हैं। एसपी राकेश कुमार ने बताया, गाय के गोबर, मुल्तानी मिट्टी और गम को मिक्स करके ये इको फ्रेंडली दिए बनाए जा रहे हैं, जिसमें लगभग 4,000 दीपक बनकर तैयार हो चुके हैं। देखिए एसपी राकेश कुमार से मिली जानकारी। सर, एक चीज जानना चाहूंगा कि जेलों में भी बदलाव बढ़िया हाँ, चूँकि नज़दीक दीपावली है, 24 तारीख को दीपावली है, उसके उपलक्ष में जिला कारागार मेरठ के बंदियों द्वारा इको फ्रेंडली दीपक बनाए जा रहे हैं। ये सभी दीपक गौरी एसोसिएट्स है, जो मुरादाबाद की संस्था है, स्वयंसेवी संस्था है, उनके द्वारा बंदियों को ट्रेनिंग दी गई है, महिला बंदियों को एवं कुछ पुरुष बंदियों को। उसी के तहत ये दीपक बनाए जा रहे हैं। इसमें जैसे गाय का गोबर प्योर है और कुछ मुल्तानी मिट्टी भी है, गम भी है, तो इन सभी चीज़ों को मिक्स करके एक चक्की लगवाई गई है। जिस तरीके चक्की ऐसी है जिसमें गेहूं पीसते हैं, तो वो हम लोगों ने अलग से खरीदवा करके लगवाई है चक्की। उसमें ये सब चीज़ें डाल करके पीस करके पाउडर बनाया जाता है, उसके बाद इनको सांचों में ढाल करके दीपक बनाए जा रहे हैं। कितने दीपक हैं सर ऐसे, कितने बनाए गए? जो महिला बंदी हैं, लगभग 30 से 35 महिला बंदी और 40 से 50 के बीच पुरुष बंदी ये दीपक बना रहे हैं। लगभग 4,000 दीपक बन चुके हैं पर उपलब्ध रहे। सर, ये जो दीपक बनाए जा रहे हैं, इसमें जो बंदी लगे हुए हैं, चाहे हिंदू और मुस्लिम, हाँ, सभी तरीके के लोग हैं। ऐसा नहीं कि खाली हिंदू ही हों, सभी लोग हैं, सभी समाज के लोग इसमें जुड़े हुए हैं। क्या लक्ष्य बढ़ेगी इससे, मतलब कुछ लोगों को इसमें रहेगा, थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे। सोचा ये गया है कि माननीय मोदी जी और माननीय योगी जी की प्रेरणा से ये जो ऊर्जा संरक्षण कार्यक्रम और वोकल फॉर लोकल मेड इन इंडिया, ये सब जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, तो जो बंदी कारागार में किसी कारण से किसी अपराध के अंतर्गत आते हैं, तो जितने दिन कारागार में रहते हैं, तो इनको ट्रेनिंग इस उद्देश्य से दी जा रही है कि ये यहाँ ट्रेनिंग ले करके जब भी कारागार से रिहा हों, तो बाहर किसी प्रकार की का कोई अपराध न करें, और जो यहाँ सीख करके जाएं, जो ट्रेनिंग ले करके जाएं, वो रोजगार के रूप में उसका उपयोग करें और अपने परिवार का पालन पोषण करते हुए समाज की मुख्य धारा में समाहित हूँ। अच्छा, किस चीज़ के हैं दीपक? ये दीपक इको फ्रेंडली, जैसा कि मैंने पहले बताया, गोबर, मुल्तानी मिट्टी और गोंद मिला करके ये चक्की में पीस करके इसका पाउडर बनाया जाता है, उसके बाद ये सांचे में ढाले जाते हैं, तब जा करके ये तैयार होते हैं। तो सोच इनकी बदल रही है, अभी त्यौहार है, हमारे बने दीपक जो है बाहर जाएंगे, रोशनी दिखाएंगे। हाँ, जरूर है। अब बंदियों में सोच तो ये है, अच्छी सोच है, कि जो बंदी ये अपने जो बाहर से बंद होकर के आए हैं, इनके परिवार के लोग इनके द्वारा बनाए हुए, बंदियों के द्वारा बनाए हुए दीपक इन्हीं के परिवार में जा करके उजाला करेंगे और दीपावली का त्यौहार। तो सर, मतलब कुछ पैसों में दे रहे हैं ऐसे ही है? इन लोगों को भी कुछ उसका प्रॉफिट मिलेगा, कुछ ऐसी है? हाँ, ये तो जरूर है कि जैसे इनको जो नॉमिनल है, जो भी उसकी लागत आएगी, उसमें 10% जोड़ करके, चूँकि इनका लाभांश एक यहाँ सोसाइटी बनी हुई, कोऑपरेटिव सोसाइटी 2011 से रजिस्टर्ड है, उसी के माध्यम से 10% लाभ जोड़ करके ये बाहर जनसामान्य में बेचे जाएंगे, और वो जो लाभांश होगा वो इनके अकाउंट में जमा हो जाएगा। तो सर, किसी तरह का पोल्यूशन भी नहीं फैलेगा और पूरी तरह से इको? हाँ, चूँकि ये सब दीपक इको फ्रेंडली हैं,
तो किसी तरीके का कोई पॉल्यूशन भी नहीं फैलेगा और कोई दुर्घटना भी नहीं घटित होगी। अभी के लिए इतना ही। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वेलेंटिस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटिस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।